कुरुक्षेत्र सीरीज के एक अगले व्लॉग में, और अभी हम इस वक्त जहाँ है उस जगह का नाम है ब्रह्म सरोवर। आप सब लोग जानते ही होंगे, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये कितना बड़ा है। ये इस पोर्शन तक ये आधा है, और इसके इतना ही बड़ा आधा पोर्शन उस तरफ भी दिखाई देता है। अगर मैं इसकी लंबाई की बात करूँ तो ये लगभग 1110 मीटर, 1 किलोमीटर से ज़्यादा। एग्जैक्ट जितना ये लंबाई में है उतना इस तरफ आधा है, लगभग 550 मीटर। 1110 मीटर लंबाई और 550 मीटर चौड़ाई, और अगर गहराई की बात की जाए तो ये होगा 14-15 मीटर के आसपास गहरा भी। और हाँ, भूलिएगा नहीं, एशिया का सबसे बड़ा मैन मेड तालाब है पोंड। दीवारों पर महाभारत के बारे में भी पूरा विस्तार से, शुरुआत से लेकर युद्ध का अंत तक, आप अगर दीवारों पर सिर्फ चित्र देखते हुए चलेंगे तो आप महाभारत का पूरा ज्ञान ले सकते हैं। आप भी आना चाहें तो अभी गीता महोत्सव कुछ दिनों में होगा, दिसंबर के शुरुआती हफ्ते में है शायद, आप तब आइएगा। बहुत खूबसूरत नज़ारा रहता है उस दिन, पानी में दीप जलाए जाते हैं, पूरा ये ब्रह्म सरोवर 1 किलोमीटर के दायरे में पूरा लिट अप हो जाता है, मतलब ब्रेथ टेकिंग मोमेंट रहता है उस वक्त। ब्रह्म सरोवर से याद आया, इन्हें सरस्वती नदी के किनारे पर बसा हुआ है। एक मिथ लगा लीजिए, या हिंदुओं के हिसाब से या सनातन धर्म के हिसाब से कहावत लगा लीजिए या रियलिटी लगा लीजिए, आप उसको जिस संदर्भ में भी लेना चाहे आप ले सकते हैं। तो बोला जाता है कि जब पृथ्वी की शुरुआत जिस जगह पर हुई वो जगह ये है, क्योंकि भगवान शिव ने ब्रह्मा को बोला था एक ह्यूमन लाइफ का यहाँ से एक शुरुआत करें, बनाए जीव जंतु, बनाए प्राणी बनाए। तो उन्होंने यहाँ पे एक बहुत महायज्ञ किया था, उसके बाद यहीं से सृष्टि की शुरुआत हुई थी, ऐसा भी बोला जाता है। और भी अगर मैं रिलीजन्स की बात करूँ तो ये लगभग हर रिलीजन के रूप में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से जुड़ा ही हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हमारे जितने भी सिख गुरु रहे हैं उनका भी यहाँ पर आना जाना लगा रहता था। बौद्ध धर्म में भी महात्मा बुद्ध भी यहाँ पर आए थे। इसी तरीके से लगभग सभी धर्मों का हम लगा लीजिए कि किसी ना किसी रूप में नाता इस ब्रह्म सरोवर से रहा। आज मुझे एक बात का बड़ा मलाल है, और ये मलाल है कि मैं आज अपना तौलिया अपने साथ नहीं लाया, वरना मैं आपको दिखाता पानी में उतर के, गोते लगा के, मछली की तरह लहरा के, बलखा के, इतरा के, मतलब आनंद आ जाता आपको, आनंद आ जाता आपको। मैं पहले आया हूँ लेकिन यहाँ पे, और मैं नहा के गया हुआ हूँ, पानी बिल्कुल साफ है क्योंकि सरस्वती नदी के तट पर बसा हुआ है, फ्लो में रहता है पानी, तो ना आपको किसी भी तरह की बदबू, सड़ान, कुछ दुर्गंध, कुछ भी नहीं मिलेगी यहाँ पानी में, हाँ सिवाय बतखों के। बतखे तो यार वो बड़ी खूबसूरत है, आप इफ यू कैन सी ओवर देयर, वो एक लाइन लगी हुई है वहाँ पे बतखों की। महादेव का बहुत पुराना मंदिर वहाँ पर है, और इसी के साथ आपको एक नई बिल्डिंग दिख रही होगी वहाँ पौधों के बीच में से, पेड़ों के बीच में से, वो कृष्ण जी का नया मंदिर बन रहा है।
मैं बस एक बात कहना चाहूँगा, कितना शानदार जगह है। मतलब मैंने यहाँ पे हर वैरायटी के लोग देखे हैं। यहाँ पे बूढ़े वॉक कर रहे हैं, यहाँ पे जवान वॉक कर रहे हैं, लोग रनिंग कर रहे हैं, यहाँ पे कपल्स बैठे हुए हैं, लोग मंदिरों में आ रहे हैं, यहाँ पे साउथ साइड से शरणार्थी आ रहे हैं, यहाँ पे पेड़ पौधे हर चीज़, मतलब एक अलग ही वाइब्स है। और कपल्स के लिए भी अच्छी जगह है, घूमने वालों के लिए भी अच्छी जगह है, धार्मिक लोगों के लिए भी अच्छी जगह है। मतलब हर तरह की वैरायटी ऑफ पीपल आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो ये जगह है ही ऐसी, इसकी वाइब्स ही ऐसी हैं, सब कुछ A1। वो कृष्ण मंदिर है जिसका हमने दूर से जिक्र किया, और ये शिव मंदिर है जिसका हमने दूर से जिक्र किया था, इसके पास आए हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है, उस तरफ सनसेट हो रहा है, यहाँ महादेव जी के दर्शन हो गए, तो इट्स अ काइंड ऑफ ब्लेसिंग। मैं इंटरनली बहुत हैप्पी हूँ।